कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयालविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। प्यारे मित्रों, जय श्री राम, जय माता दी। मित्रों, आज हम चर्चा आपसे करें और आपको बताएं भी कि श्रावण मास के जो प्रमुख त्यौहार हैं ये कौन कौन से दिन हैं। जैसे चार अपने श्रावण में सोमवार हो गए, हरियाली तीज हो गई, रक्षाबंधन हो गया, हरियाली अमावस्या हो गई, नागपंचमी हो गई, तो ये कौन कौन से दिन हैं, इनके किस दिन हमको ये सारे त्यौहार करने चाहिए, तो इस विषय पे हम आपसे चर्चा करें। तो सबसे पहले तो हम आपको बताएं कि श्रावण का प्रथम सोमवार जो है ये आपका 30 जुलाई को पड़ेगा, और 30 जुलाई को द्वितीया है वैसे श्रावण कृष्ण पक्ष की, और घनिष्ठा नक्षत्र है, कुंभ राशि का चंद्रमा है, और प्रथम सोमवार आपको इस दिन पड़ेगा। दूसरा सोमवार आपका नवमी तिथि है, सोमवार है, कृतिका नक्षत्र है, वृष राशि का चंद्रमा है, और ये दूसरा सोमवार इस दिन पड़ेगा। तीसरा हम आपको बताएं कि श्रावण मास में ही शनि अमावस्या पड़ रही है, और शनि अमावस्या अर्थात इसको हम हरियाली अमावस्या भी बोलते हैं, तो इस हरियाली अमावस्या शनि अमावस्या ये अश्लेषा नक्षत्र पे है और सिंह राशि पे ये अमावस्या हो रही है उस दिन। और इसके साथ साथ मित्रों, तृतीय सोमवार जो तीसरा सोमवार है जो इतना सुंदर पर्व लेकर के आ रहा है, एक तो सोमवार और दूसरा हरियाली तीज, दोनों पर्व सोमवार और सोमवार के साथ में हरियाली तीज, यह आपका 13 अगस्त को पड़ेगा। हरियाली तीज है और सोमवार तृतीय सोमवार तीसरा सोमवार है उस दिन, और इसके बाद में 15 अगस्त पंचमी बुधवार। इस दिन क्या है, एक तो 72वां आपका स्वतंत्रता दिवस है, 72वां स्वतंत्रता दिवस है, और इसके साथ साथ में नाग पंचमी का पर्व भी मनाया जाएगा। नाग पंचमी इसका मैं आपको आगे बताऊंगा, परंतु आज मैं आपको जो बता रहा हूँ नाग पंचमी, तो उस दिन आप काल सर्प योग का पूजन भी विधिवत रूप से करवा सकते हैं, और काल सर्प योग का पूजन भी विधिवत रूप से होता है। और मित्रों, इसके साथ साथ में एक 20 अगस्त को जो है ये चौथा श्रावण का सोमवार है, इस दिन दशमी तिथि है और चौथा श्रावण का सोमवार है। और मित्रों, इसके साथ में ही 26 अगस्त 2018 रविवार पूर्णिमा तिथि है, और पूर्णिमा तिथि अर्थात उस दिन भाई और बहन का पवित्र त्यौहार रक्षाबंधन होता है। जिन भाइयों की बहनें अपने भाई की लंबी आयु के लिए भाई के हाथ पर रक्षा सूत्र बांधती हैं, वह पवित्र त्यौहार 26 अगस्त को पूरे भारत में मनाया जाएगा। तो हमने आपको श्रावण मास के कुछ प्रमुख त्यौहारों के विषय में बताया, और पूरे श्रावण के महीने आपके यहाँ पर किसी भी बच्चे को काल सर्प दोष की समस्या है, रुद्राभिषेक है, महामृत्युंजय है, तो केवल आपको आने की भी ज़रूरत नहीं है। वैदिक अनुष्ठान संस्थान के माध्यम से आप केवल फ़ोन पे चर्चा करके नाम, फोटो, गोत्र बताइएगा, उसका उपाय, उसका निराकरण यहीं से संपन्न किए जाते हैं। और मित्रों, जहां संभव होता है या जहां ज़रूरी होता है वहां पर जाया भी जाता है। मित्रों, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय माता दी, जय माँ गंगे।